Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing good. And this is your science teacher. We are about to discuss health and disease. ये हमारा आज लेसन का नाम भी है और हमारा टॉपिक भी है. As far as health and disease is concerned, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ क्या होती है, फिर हम बोलेंगे डिजीज क्या होता है. तो सबसे पहले हेल्थ, द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड फ्री फ्रॉम इलनेस और डिजीज. यानी एक इंसान का वो स्टेट, एक इंसान की ऐसी कंडीशन जिसमें आपको कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है, यानी आप अच्छे हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं. या इसी तरह से अगर हम मजीद इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाएं, लाइक इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी कि इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा खोल के देखें, एक्सपेंड करके देखें, एक्सप्लोर करके देखें, तो ये कैसी कंडीशन होती है, एक ऐसा स्टेट होता है इंसान का. ये एक तो पहले ही कंप्लीट स्टेट होगा किसका, फिजिकल. फिजिकल मींस फिजिक, मेंटल. मेंटल मींस इंटेलेक्चुअल. फिजिकल हो गया जो आप भाग दौड़ सकते हो, आप उठते हो, बैठते हो, तो ये हो गया आपका फिजिक, फिट है. उसके बाद है मेंटल यानी इंटेलेक्चुअल, यानी आप जहनी तौर पे क्या हो, प्रिपेयर्ड हो, फिट हो, एक्टिव हो. या सोशल वेलबींग और बाकी जो भी आपके बाकी लाइफ के एस्पेक्ट आएंगे सोशल में, तो वो सारा आप उस टाइम पर भी क्या हो, एक्टिव हो, ठीक हो, फिट हो, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी. यानी कि इस टाइम पर एक ऐसा कंडीशन है आपका जब आपके अंदर एब्सेंट है, क्या चीज एब्सेंट है, डिजीज एब्सेंट है, बीमारी एब्सेंट है और इनफॉर्मिटी. इनफॉर्मिटी हम किसे कहते हैं बेटा, डिजीज विच लास्ट्स फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो बहुत टाइम तक आपके अंदर रहेगी, आप पर लागू रहेगी. ये जो डिजीज होती है इन्फॉर्मिटी, ये ज्यादा ओल्ड एज जो जिनकी होती है, जो बुजुर्ग हो गए होते हैं, ज़ईफ हो गए होते हैं, ये उनमें ही ज्यादा देखा जाता है. और भी कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे एडल्ट में भी देखा जाता है, प्रोटीन्स में भी देखा जाता है और बच्चों में भी देखा जाता है, जैसे चिकन पॉक्स है, वो भी बहुत टाइम तक रहता है. ठीक, तो इसका मतलब हो गया हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है इंसान की जिसमें वो डिजीज फ्री होता है, यानी कि वो बीमार नहीं होता और उसका जो कंडीशन है वो कम्प्लीटली फिट होता है. चाहे फिजिकल इसकी बात करें, फिजिक की बात करें, मेंटल यानी कि इंटेलेक्चुअल की बात करें, सोशल वेलबींग, एंड एज फार एज अवर हेल्थ इज कंसर्न्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर हेल्दी नथिंग एल्स मैटर्स. जब तक हम ठीक है, जब तक हमारी सेहत ठीक है, तब तक ही सब कुछ चलता रहेगा. जब तक हम हेल्दी होंगे तब तक ही हम सारे काम करेंगे. और हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा जहां पे पहले बता के रखूं आप लोगों को, फूड की जरूरत पड़ती है और फूड हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है, स्लीपिंग ऑफ ये जो हम स्लीप करते हैं रात को 5 to 6 घंटे जो हमारा नॉर्मल हो गया, 6 to 8 होता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, जरूरी है. अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और डिजीज के बारे में बात करेंगे. सो डिजीज जो है वो दो वर्ड्स है, दिस एंड इज, बेसिकली दीज आर द टू वर्ड्स, ये दो वर्ड्स है. दिस का मतलब हो गया नॉट और इज का मतलब हो गया इजी, और दोनों वर्ड जो है ये इंग्लिश वर्ड्स है. दिस मीन्स नॉट, इज मीन्स इजी. इसका मतलब हो गया व्हेन यू आर नॉट एट ईज, यानी आप आसानी, राहत, सेहत में नहीं है, बल्कि आप क्या है, आप बीमार है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से आप रोजमर्रा लाइफ के जो काम वगैरह है वो नहीं कर सक रहे, नहीं कर सकते, या उसमें खलल पड़ रहा है. ठीक है, तो हेल्थ भी पढ़ लिया, डिजीज भी पढ़ लिया. अब मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. लाइक जब हम स्कूल जाते हैं, हम घरों में होते हैं या और किसी जगह पे होते हैं, जब हम किसी दूसरे इंसान के पास बैठेंगे, अपने सिबलिंग्स के पास बैठेंगे, अपने किसी फ्रेंड के पास बैठेंगे स्कूल में, तो हम एक चीज देखते हैं कि कभी कभी हमें क्या हो जाता है, हमें भी उसकी वो बीमारी क्या है, लग जाती है. कभी आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई घर के भाई, बहन और कोई फैमिली मेंबर छींकता है, हम बोलते हैं इसको जुकाम हो गया है,
अस्टमाना एमएस बहुत जुकाम और हमारी अम्मी हमसे कहती है एमएस निशलोज दूर, इससे आप दूर रहो। क्यों बोल दिया दूर रहो? सलारी, यानी कि आपको ये जो ये है बीमारी जो है आपको भी लग जाएगी और आप इससे छींकना स्टार्ट करोगे। हो गया ये? या आपने ये भी देखा होगा बचपन से ही किसी किसी बच्चे के अंदर है, बड़ों के अंदर भी चिकन पॉक्स देखा जाता है और कोई बीमारी भी फीवर होता है वो देखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें लग जाती है। अब हमें आगे जाके इसके डिजीज के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी है कि डिजीज के कितने टाइप्स है और क्या है। ठीक, तो अब हमारे पास जैसे मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, यानी हमारे पास दो तरह की बीमारियां होती है जो जनरल में बात करते हैं। जनरल में अगर देखेंगे तो दो तरह की क्या होती है डिजीज होती है, पहली होती है कम्युनिकेबल, दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। एज फार एज कम्युनिकेबल डिजीज इज कंसर्न, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कम्युनिकेबल वो है जो एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान को लग जाएगा, जिसमें मैंने बोला जुकाम हो जाता है, बुखार होता है, चिकन पॉक्स होता है या और कुछ होता है। तो क्या हो जाता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को क्या होगा, लग जाएगा। उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन नहीं होता, बल्कि या तो डाइट की वजह से हमने प्रॉपर डाइट नहीं लिया उसकी वजह से ये होगा, या हम एक्सरसाइज नहीं करते, या और कोई रीजन होगा, जैसे हमारा प्रॉपर डाइट नहीं है, हमने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, हमें डिप्रेशन है, या एक लॉन्ग जैसे इन्फॉर्मेटिव में जैसे मैंने बोला कि हम एक बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से बीमार थे और उसकी वजह से भी क्या हो गया, हम थोड़ा सा बीमार ही रह गए, बीमारी पड़ गई फिर से दोबारा कुछ टाइम के बाद। तो ये थी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसका सिर्फ ये आज का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह मुस्तान नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं दो टाइप्स पे मजीद बात करेंगे। और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल आना होगा, आपको यहाँ पे क्लासेस होंगी और आपको एग्जाम होगा, वाइवा होगा, क्लास टेस्ट होंगे, तो इसीलिए आप अच्छे से इनको पढ़ाई करके आना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।